हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ धनिए और पुदीने वाली चटनी, चटपटी। तो चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने कहा, धनिए पुदीने की हरी चटनी। अब उसे लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ देखिए। यहाँ मैंने फ्रेश मिंट लिया है, जिसे हम पुदीना बोलते हैं। इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश हरी धनिया, जिसे भी मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ लिया है मैंने चिली, माने हरी मिर्च, ग्रीन चिली, हरी मिर्च। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको कितना तीखा खाना है उसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है नींबू, लेमन लिया है, आप इसे चटनी के साथ मिलाइएगा। और यहाँ लिया है मैंने काला नमक, आप सिंपल नमक भी ले सकते हैं, पर टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक बहुत अच्छा लगता है। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चटनी के लिए जो मैंने ली थी आपकी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें मिला लिए हैं जार में। अब ये रहा मेरे पास लहसुन, गार्लिक है। अब गार्लिक आपको मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, गार्लिक को आप गैस में हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा, अगर आप गार्लिक और जिंजर खाना चाहते हैं चटनी में तो। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, क्योंकि कई लोगों को ये गार्लिक और जिंजर पसंद नहीं आता है, अदरक और लहसुन, तो मैं तो नहीं डाल रही हूँ। आपको मैं ये बता रही हूँ, अगर आपको डालना है, आपको टेस्ट लेना है तो आप इसको थोड़ा सा गैस में रोस्ट करके डालिएगा। अब मैं जा रही हूँ इनका फाइन पेस्ट बनाने, फिर हमारी चटनी तैयार होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी फाइन सी चटनी बनके तैयार है। आप भी इसे ब्रेड पकौड़ा, पकौड़े के साथ और अदर रोटी, चावल, दाल सबके साथ खा सकते हैं।